नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट जी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को दशमलव संख्याओं का भाग करने के लिए बताने वाला हूं, जो कि बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज इस पे वीडियो फाइनली बना रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर के भी चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दो एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से दशमलव संख्याओं का भाग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं तो इसमें हमें 7 से भाग करना है 89.74 में। मतलब दोस्तों 89.74 में हमें 7 से डिवाइड करना है। तो इसे हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 7 से हम लोग सबसे पहले 8 में लगाएंगे, तो एक बार में हमारे लग जाएगा 7 एकम 7। अब इसको घटा देंगे तो हमारा कितने बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 9 को हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, क्योंकि 7 से 1 में डिवाइड नहीं लगता, तो इस 9 को यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए कितने बार में हमारा लगेगा दोस्तों, तो 7 से हमारा 2 बार में लग जाएगा, 7 दोना कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब फिर से इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाने के बाद हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 5 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसके आगे तो हमारा पॉइंट आ गया है, और देखिए 7 से 5 में हमारा डिवाइड भी नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से उतार देंगे। अब देखिए जैसे ही दोस्तों हमने इस पॉइंट को यहाँ पे उतारा, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से भूल जाइए अब, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग नॉर्मल की तरह संख्या यहाँ से ले सकते थे, 7 को अब हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों हमारा कितने बार में लगेगा 7 के पहाड़ा में, तो आप लोग 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो ये दोस्तों हमारा 8 बार में लग जाएगा। तो 87 हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 56, ठीक है, 56 हो जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा बचा कितना दोस्तों, इसको घटा दीजिए तो हमारा 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो इस 4 को भी हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कितने बार में लग जाएगा दोस्तों, 7 से दोस्तों हमारा अब 2 बार में लग जाएगा, 7 दोना कितना हो जाएगा 14। तो दोस्तों ये हमारा डिवाइड जो है सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए मैंने इस प्रकार के भी एग्जांपल को ले लिया है, जिससे कि आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी ना हो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं दोस्तों इस डिवाइड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप लोग देखिए कि 120 से हमारा 3 में डिवाइड तो नहीं लगेगा, और इसके आगे दोस्तों पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर वाला संख्या हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका बीच में पॉइंट आ जाए, तो आप उस पॉइंट को सिंपल तरीके से यहाँ पर उठा करके रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमने इस पॉइंट को यहाँ पर उतार करके रख दिया, तो यहाँ पर नॉर्मल संख्या हो चुका है। तब देखिए यहाँ पर पहले से ही एक संख्या था, तो हम लोग एक और को अब ले सकते हैं, तो इसको भी हमने इसमें मिला लिया, ठीक है। तो ये 32 अब बन गया। तो अब 120 से क्या हमारा 32 में भाग लगेगा, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि 32 जो है हमारा छोटा संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे हमने दो संख्याओं को कंटिन्यूसली लिया, तो हम लोग को यहाँ पर 1 0 रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों संख्याओं को हमने लगातार लिया, इसलिए हमें यहाँ पर 1 0 उतारना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कि हमारा यहाँ पे ये समझिए एक तरह से सिंपल बन चुका है, ये हमारा 324 बन चुका है। तो 120 से हम लोग 324 में अब हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो 120 से हमारा 324 कितने बार में कटेगा दोस्तों, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 2 नहीं घटेगा तो इससे कहाँ से लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा, 2 में 2 जाएगा ख़त्म। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा, 84। तो दोस्तों आप लोग को मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि डेसिमल का डिवीजन जब भी आप लोग करते हैं, यहाँ पे जैसे आपने पॉइंट दिया, तो आप 1 0 को आप लोग यहाँ पे उतार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने आंसर में जैसे ही पॉइंट दिया, आप नीचे 1 0 उतार सकते हैं कहीं पर भी, सिर्फ 1 0, ठीक है। तो 1 0 हमने यहाँ पर उतार लिया। तो अब देखिए 120 से हमारा कितने बार में लगेगा दोस्तों, आप लोग टेबल पढ़िए 120 का, तो ये दोस्तों हमारा कितने बार में लगेगा, 12 7 हमारा 84 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों 7 बार में पूरा कट गया। तो दोस्तों ये जो है 0.027, इसको दोस्तों हम लोग, आप लोग चाहे तो इसके पहले आप लोग एक जीरो भी लगा सकते हैं, 0.027। ये 0 हम लोग पॉइंट से पहले इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये आपको बोलने में अच्छा रहता है, ठीक है। और आप इसे लिख के सकते हैं 0.027, ये आपका दोस्तों आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग किसी भी दशमलव संख्याओं का भाग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आप लोगों को एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और दोस्तों अगर आप लोग को माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसका क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन जरूर से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कैसे नेवर डिस्कवर करके, तब तक के लिए धन्यवाद।